चले सर, हम अपने अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये है टेंथ आईसीएसई केमिस्ट्री सर। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लेक्चर चल रहा था हमारा। लास्ट लेक्चर हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक साइज किया था, या एटॉमिक रेडियस बोल दीजिए। और उसके आगे दो प्रॉपर्टीज है जो हम आज एक साथ करेंगे, वो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक है सर। ये एक जैसी ही है, एक दूसरे का थोड़ा सा ऑपोजिट आ जाती है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर सर। ठीक है, सब कुछ वही है। अब सबसे पहले सर हम ऐसे करते हैं कि ये दोनों एक साथ ही चलाते हैं, ऐसे कर लेते हैं सर। तो पहले यहां मेटेलिक और यहां नॉन मेटेलिक, आप देखोगे अभी समझोगे इसको, मैंने क्यों ही रखी ली है ये, ठीक है ना, इसके एक रीजन है। तो व्हाट इज द मेटेलिक कैरेक्टर? वो नहीं है अब, वो नहीं चलेगा, ये लस्टर है, चमक है, ये वो नहीं अब चलेगा। तो प्रोडक्ट टेबल में आ गए ना। जैसे मैं अभी आवाज को एक बात बता दूं, आज ही हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किया बच्चों प्लस वन का, तो मैं ये चाहता हूं कि आप प्लस वन का वो भी एक लेक्चर देखा करें। उसका एक कारण है सर, देखिए आपके पास तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो तो आपके घर पे पड़ी रहेगी, बस आपने टाइम निकाल के रोज 25 मिनट एक लेक्चर आएगा, 25-30 मिनट का होगा, वो सुन लीजिए, नोट करना तो कर लीजिए, नहीं तो सुन लीजिए। जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से कर लिया प्लस वन का, इसके साथ यू आर इन फाउंडेशन केमिस्ट्री ऑफ द आईआईटी एंड नीट, उसके बाद आपको केमिस्ट्री जो टेंथ वाली है वो बहुत आसान लगेगी। आपको ये लगेगा कि आपको बहुत जो मतलब आप ये समझ सकते हो कि बहुत पीछे वाला पढ़ा रहे हो, तो अब तो बहुत एडवांस हो चुका सिस्टम, तो ये टेंथ तक मुझे ऐसे क्यों पढ़ाते, जैसे ये मेटेलिक कैरेक्टर और मेटेलिक। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम प्लस वन को टू को टीच करते हैं, तो टेंथ को जब ये टीच करना पड़ता है तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन फील होती है, वो बता नहीं पाते जो चीजें असली में होना था, यहाँ बहुत सारा कुछ है जो बता नहीं पा रहा हूं अभी, पर आप वहां मैं उसको डिटेल करूंगा, तो आप वहां भी ऐसा कर ले तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ये रिक्वेस्ट समझिए आप, या आपको एडवाइस दे रहा हूं, पर अगर वो आपने कर लिया तो मेरी बात समझे सर, ये प्रोडक्ट टेबल और केमिस्ट्री के बॉन्डिंग और ये वो आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं कभी आएगी। चलिए सर, मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये है सर, कोई भी एलिमेंट की जो टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन वो उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द लूज इलेक्ट्रॉन और डोनेट इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, तो उसको हम मेटेलिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये तो उल्ट होगा, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और गेन इलेक्ट्रॉन, तो वो तो नॉन मेटल हो गया सर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हैज पावर टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब ये सवाल है सर, यहां अभी करते हैं बात सर, अभी करते हैं इसकी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये आप ध्यान से सुन लीजिए, पहली बात, कोई भी एटम अपने आप कभी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा जब तक कोई गेन करने वाला नहीं है, ये ध्यान रखें सर। आइसोलेटेड एटम अगर इकल्ला पड़ा है, किसी के साथ टच में नहीं है, तो ये नहीं इलेक्ट्रॉन शो कर, इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी नॉन मेटेलिक पे डिपेंडेंट है, ध्यान रखना। आपने इसने लूज किया, उसने गेन किया, तभी चलेगा, ये नहीं है कि खुद ही लूज कर रहा है, ऐसे कैसे लूज कर देगा। एक ये सबसे बड़ा रूल है केमिस्ट्री में, वो एलिमेंट्स में। बट ये एक और बात बता रहा हूं आपको, अच्छे से गांठ बांध लेना नहीं, आपको इससे इलेक्ट्रोलाइसिस समझ लगेगा, आपको सब कुछ समझ लगेगा, बस आपको वो प्लस वन वाले लेक्चर भी सुनने हैं और उसके बाद सब समझ लगेगा कि मेटल्स में या एलिमेंट्स में ये टेंडेंसी है कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये डोनेट कर सकता है तो ये डोनेट कर देगा। इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कोई फंड बनाने की जरूरत नहीं है कि इसमें पैसा डालो वहां देना, ये वो, ये खुद ही कर देते हैं। द मूवमेंट दे हैड ग्रेटर पावर टू लूज देन अदर, तो इन्होंने ये ऑटोमेटिकली कर देना,
आप इसको रोक ही नहीं, हाँ रोक तो सकते हो बट इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले ये तो समझ लग गया। अब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया क्यों, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्यों है, वाई और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी क्यों है, क्यों का बड़ा सवाल है ये। तो वाई मेटल्स आर मेटेलिक प्रॉपर्टी, तो वाई ये आ गया सर, बिकॉज एवरी एलिमेंट वॉन्ट टू बी स्टेबल, हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है सर, टू हैव ऑक्टेट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, ये ध्यान रखना सर। वाई सेम वाई यहां आ गया बेटो, विच इट अटेन्स, हेंस इट मे लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, टू है। अब यहां आ जाओ सर, इसकी कंफिगरेशन है 2-8-1। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए तो ये तो बन गया स्टेबल नोबल गैस सर। अब इसकी जो वैलेंसी है सर, कंफिगरेशन है 2-8-7, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये एनायन बन जाता है सर, और ये कटायन। अब यही इनका एक संबंध है, बॉन्ड है ये वाला, ये रिश्ता है इनका। अब ये इलेक्ट्रॉन गया यहां, अब ये समझ लीजिए, और ये बन जाते हैं बॉन्ड, दे ओ ईच अदर, एक दूसरे के आभारी हो जाते हैं, प्लस और माइनस है तो ये जुड़ जाते हैं, इनका एक रिश्ता बन जाता है। इसने दिया इलेक्ट्रॉन, इसने गेन किया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तब ये नोबल बना, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तब ये नोबल बना, दोनों जुड़ गए और वे बन गया एक मॉलिक्यूल। सो दिस इज द रीजन व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और गेन और हाउ द मॉलिक्यूल्स फॉर्म, हाउ द बॉन्ड फॉर्म्स, दिस इज आयनिक बॉन्ड, ये आपको पता भी होगा, आगे आए भी जाते हैं। तो ये रीजन है सर नॉन मेटेलिक और मेटेलिक का, कारण है क्यों होता है, ठीक है। अब एक फैक्टर आ गया, तो फैक्टर्स भी दोनों के एक साथ ही करेंगे सर हम, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के, ये डिटो आ जाता है तो ये आपको लिखने में आसानी होगी, ठीक है सर। ये दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ चला दी हमने, तो फैक्टर्स सर क्या करें, फैक्टर्स। अब देखिए सर, मसला है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना और गेन करना। अब इसमें फैक्टर दो ही होते हैं, एटॉमिक रेडियस और न्यूक्लियर चार्ज। तो पहले तो यहां बनाते हैं सर, किसी भी एटम में ये प्लस है, ये देखिए सर, ये आउटर इलेक्ट्रॉन है सर, ये इसकी डिस्टेंस है सर आर, एटॉमिक साइज, और ये न्यूक्लियस का चार्ज है, इसको हम चार्ज बोल देते प्लस और ये माइनस है, ये फोर्स है, तो ये है न्यूक्लियर चार्ज फोर्स, न्यूक्लियर चार्ज फोर्स। अब इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में है, तो सबसे पहले है एटॉमिक साइज फैक्टर्स। अब एटॉमिक साइज के होता क्या सर, ये देखिए, ठीक है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर, ये दोनों इकट्ठे चला रहा हूं मैं आपको। अब अट्रैक्शन ऑन एन आउटर इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान से देखना, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन, ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन, हमें आउटर इलेक्ट्रॉन में भागना है ना सर, बाहर या गेन होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये ध्यान रखना सर। अगर साइज बड़ा होगा तो फोर्स कम होगी, इलेक्ट्रॉन जा सकेगा, अगर साइज कम हुआ तो फोर्स ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन आ सकेगा उसको बांध ले करेगा। सो दैट इज ग्रेटर द साइज
अरे ये क्या बात, ग्रेटर द साइज लेसर इज फोर्स, इलेक्ट्रॉन इजीली गो आउट, इजीली गोज आउट, हेंस मेटेलिक रिएक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, एंड सिमिलरली लेस इज फोर्स फॉर आउटर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आउटर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, हेंस नॉन मेटेलिक रिएक्टर डिक्रीजेस। एंड वाइसे वर्सा सर, ये ध्यान रखने वाला, ये सारा ही दोबारा लिखना, वाइसे वर्सा क्या मतलब, इसका उत्तर को लेसर द साइज ग्रेटर इज द फोर्स, इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी गोज आउट, हेंस मेटेलिक रिएक्टर जो है यहां इंक्रीज था मोर है, ये डिक्रीज हो जाएगा फिर। ठीक है, ये ध्यान से देखें सर, डिक्रीज। सिमिलरली मोर इज द फोर्स फ्रॉम आउटर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, हेंस नॉन मेटेलिक रिएक्टर इंक्रीजेस। देखिए इसको हटा के आपने लिखना है लेसर, यहां आ जाएगा ग्रेटर, डिफिकल्टी ठीक है गो विदाउट, हेंस मेटेलिक रिएक्टर लेस। सिमिलरली लेस इज द फोर्स मोर इज द फोर्स, ये वाइस वर्सा में उल्टा, आउटर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हेंस नॉन मेटेलिक रिएक्टर इंक्रीजेस, ये वाइस वर्सा हो गया, एक साथ ही कर दिया, समझे बात। तो ये नॉन मेटेलिक रिएक्टर क्यों, जब आपकी आउटर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ चुकी है तो फिर बाकी का कहां से, समझे आप बात। ठीक है, तो साइज से ऐसे फर्क पड़ जाता है आपको, ठीक, तो ये याद रखना आपने। चलिए सर और एक फैक्टर देख लेते हैं सर इसमें से, फिर एक साथ इसके ट्रांसफर एक आसान सर, न्यूक्लियर चार्ज वो हमने कर लिया, ये मैं कभी नहीं मानता सर इसको, ये न्यूक्लियर चार्ज शब्द ही गलत है, ये इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्ड होना चाहिए, तो वो तो अभी अभी किया ही है सर। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, देखिए ध्यान से, न्यूक्लियर चार्ज मीन्स एटॉमिक नंबर बन सकते हैं, पर ये इफेक्टिव होना चाहिए सर, ये ऐसे होना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों लिख देते हैं उसमें। अब मैं तो नहीं मानूंगा, मैं कहूंगा ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या सर, ये देखिए यार सर, ये प्लस है और ये माइनस, इसने इसको अट्रैक्ट करना है। अब ये सिंपल अट्रैक्शन तो है नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, इसके बीच में स्क्रीनिंग फैक्टर है, ये शील्डिंग है, तो इनसे बचते बचाते जो फोर्स वहां पहुंचेगी फाइनल नेट फोर्स, उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे हम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी इस फैक्टर को निकाल दीजिए। तो ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेसर इज द मेटेलिक, क्यों है सर, बिकॉज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन, बिकॉज सॉरी फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट गो आउट। अब ये तो फिर वैसे वैसा होगा है ना, एंड मेटेलिक रिएक्टर एंड ग्रेटर will be force for incoming electron, hence greater is metallic reactor and vice versa। क्या मतलब हुआ, ग्रेटर लेसर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहां पर लेसर आएगा, ग्रेटर यहां ग्रेटर आ जाएगा, वैसे वैसे में उल्टा होना, ग्रेटर इज द मेटेलिक रिएक्टर बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन गो आउट नॉट बट कट जाएगा, एंड लेसर विल बी द फोर्स फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, हेंस लेसर
इज नॉन मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। ये तो रहेगा, ये तो मैं पिछली बार लिखना भूल गया, ये नियम वैसे वैसा नहीं ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं, ठीक है। नॉन मेटेलिक करेक्टर वैसे वैसा हो गया, ठीक है सर। तो ये दोनों फैक्टर एक साथ ही हो गए, एक साथ समझ भी आएंगे आपको। अब इसका ट्रेंड्स देखते हैं सर, हाँ ठीक है। तो ट्रेंड्स में हम अच्छे से समझेंगे, इन दोनों बातों को समझेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया, आप तो सारा लिख ही दिया, क्योंकि सर न्यूक्लियर चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो जाएगा, वो बाहर नहीं जा पाएगा सर। ये बाहर नहीं जा पाएगा तो फिर वो मेटेलिक करेक्टर काम देगा, तो इसी वजह से नॉन मेटेलिक करेक्टर बनेगा सर, ठीक है। तो ट्रेंड्स देखते हैं सर, इन दोनों के एक साथ ही चल रही है ये, तो अभी तो आप अच्छे से समझ सकते हो, उसको लिख सकते हो ट्रेंड्स सर। तो ट्रेंड्स पहले आता है हमारे पास डाउन द ग्रुप सर। अब ये देखो सर, दोनों लिखेंगे हम, ये लिखे सर, ये डाउन द ग्रुप होता है सर। अगर हम देखें तो मेटल्स के लिए लिखे तो मेटेलिक करेक्टर के लिखे, उधर उधर दूसरा लिखेंगे मेटेलिक। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, जैसे जैसे जाओगे नीचे एटॉमिक साइज विल इंक्रीज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो शेल बढ़ जाएंगे एंड इंक्रीज इन शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स। अब जब शेल बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग फैक्टर बढ़ेगा, दैट इज इंक्रीज इन स्क्रीनिंग फैक्टर, ठीक है सर, इंक्रीज इन स्क्रीनिंग फैक्टर। हेंस लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो गया ना सारा, एक नहीं आ गया सारा, ये आ जाएगा आपका। तो इसमें हमने मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हुआ तो नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, उसमें क्या है। सिमिलरली इधर आते हैं सर ट्रेंड में, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास है कार्बन है, सिलिकन है, ठीक है। तो ये भी डाउन द ग्रुप है, जर्मेनियम है, कार्बन सिलिका जर्मेनियम, और एक टिन होता है और एक लेड होता है सर, ये आ गया। अब यही वहां लिखेंगे, ये छोड़ देता हूं मैं एक साथ ही कर रहा हूं ना ट्रेंड। तो ये लिखते हैं सर, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन, ठीक है, और आपके पास ले लेते हैं पीपी। अब यहां लिखते हैं एटॉमिक साइज increases and increase the number shell, ऐसे 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 ऐसे, तो non metallic character निकल जाए, that is non metallic character, that is non metallic character decreases। तो down the group non metallic character decrease करता है, metallic increase करता है, reason same चल रहा, देखो atomic size increase कर गया, nuclear charge है, ये सारा कुछ same है सर, बस जैसे जैसे हम नीचे जाओगे तो आपके पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है तो फिर नॉन मेटेलिक नहीं रहेगा ना, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रोट्रैक्शन नहीं, गेन नहीं कर पाएगा। तो ये एक साथ ही हमने इसको कर लिया डाउन द ग्रुप, समझे आप बात, वेरी गुड, क्लियर। अब चले सर अलॉन्ग द लीनियर, ठीक है। तो ये एक साथ ही चलते हैं दोनों, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो ट्रेंड आता है अलॉन्ग द ग्रुप, ठीक है सर। तो अलॉन्ग द पीरियड जो है वो हमने लिखना, हमारे पास क्या है सर, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। ये हम अलॉन्ग द पीरियड मतलब अब लेफ्ट से हम राइट की तरफ पढ़ रहे हैं। तो सिलिकॉन है सर, फॉस्फरस है, ऑक्सीजन है सर, और क्लोरीन आ जाता है, ठीक है। सल्फर लेते हैं यहां तो क्लोरीन आता है। इसका 11 है, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 एटॉमिक नंबर है, तो एक रो में है सर। अब जैसे जैसे हम इधर जाते हो सर, शेल तो बढ़ता नहीं है ना,
बताया हुआ है, ये तो किया हुआ आपने, ये एन में 2, 8, 8, 7, 6, 5, 4 सारे आ गए। तो जब आप सर लेफ्ट से राइट जाते हो अलोंग द पीरियड शेल नॉट इंक्रीज, ठीक है, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट अलोंग द ग्रुप अलोंग द पीरियड, नो इंक्रीज इन शेल, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज नो इंक्रीज इन द शेल, न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज ऐसे लिखते वो मैं लाइन बना रहा था तभी कंफ्यूज हो गया, इंक्रीजेस देखते जाओ एंड नो इंक्रीज इन शेल, शेल नहीं बढ़ रहा। अब देखिए सर, हेंस इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है वो मैंने बताया हुआ आपको, हेंस डिक्रीज इन साइज, हेंस डिक्रीज इन साइज, हेंस साइज कम हो गया सर, हेंस आउटर इलेक्ट्रॉन सारा कुछ लिख देते हैं एक साथ चल लेते, आउटर इलेक्ट्रॉन हेल्ड टाइटली उसको टाइटली बांधा हुआ है एंड मोर इज फोर्स फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, सब कुछ एक में ही लिख देते हैं सर, देखा जाएगा है ज्यादा से ज्यादा फोर्स है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए सर, ठीक है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ज्यादा फोर्स है, हेंस मेटैलिक करैक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटैलिक इंक्रीजेस, नॉन मेटैलिक इंक्रीजेस। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे मेटैलिक करैक्टर कम हो रहा है वो मैंने दस बता दिया, टाइटली फोर्स बाउंड है तो जब टाइटली बाउंड फोर्स है सर तो फिर वो छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स देगा तो मेटैलिक करैक्टर डिक्रीज होगा एंड नॉन मेटैलिक करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, यही तो है हमारा करैक्टर। तो ये है सारा ट्रेंड है सर ये। अब इस ट्रेंड को छोटी सी एग्जाम्पल लेके हम समझने की कोशिश और करते हैं सर, ठीक है, आप ये नोट कर लेना लाइन्स अच्छे से समझ लेंगे एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ लगा है ये, ठीक है। चलिए सर देखिए सर, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना उनके बारे में बताता हूं, जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है जो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जो नॉन मेटेलिक होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं इनके एसिड्स लेते हैं सर, जैसे अभी अभी किया था Na2O, MgO, Al2O3 इस तरह से हम ऑक्साइड्स लिखेंगे और उनके करैक्टर को ढूंढेंगे, SO2, P2O5, ठीक है ना, ये ऐसे अभी हमने लिखा था तो ये आता है हमारे पास SO3, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड था ये और Cl2O7। अब ये वाला जो है ना लास्ट वाला भी मोस्ट एसिडिक है सर, मोस्ट एसिडिक। सो नॉन मेटल्स जो है वो ऑक्साइड्स जो है काफी सारे एसिडिक बनाते हैं। अब ये भी स्ट्रॉन्गली बेस है सर, स्ट्रॉन्गली बेस है, इसी के लिए तो अल्कली बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्गली बेसिक है सर, तो ये बेसिक है। अब ये देखो सर, ये एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक माने अब ये कहीं एसिडिक बन जाता है तो कहीं, इसके पास दोनों तरह के करैक्टर है, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल भी, एल्बिनी मेटल भी हमें है, नॉन मेटेलिक करैक्टर भी शो कर सकता है, ये दोनों ही कर लेता है, ये इसका काम है। तो ये लेस एसिडिक है, लेस एसिडिक है, ठीक है, ये आपके पास लेस एसिडिक आ गया और ये थोड़ा एसिडिक आ गया,
ये फीबली एस डी का है, ठीक है, थोड़ा मोर एस डी का है, एस डी को बोल लीजिए आप इसको, और ये मोर एस डी हो गया और ये मोस्ट आ गया, ठीक है ना, लेस एस डी मोर मोस्ट। तो हमने ये पढ़ा था ये लेफ्ट से राइट मेटैलिक से नॉन मेटैलिक, तो यही हुआ सर। ये प्रायोरिटी टेबल में हम चले हैं लेफ्ट इधर से राइट, ये है अलोंग द पीरियड। तो मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल जो है वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये हमारा ट्रेंड को समझने का एक और तरीका भी अच्छे से पता चला। अब इसका मतलब ये पता चला आपको कि ये मेटेलिक रिएक्टर सबसे ज्यादा सोडियम में है और ये नॉन मेटेलिक रिएक्टर क्लोरीन में। अब जैसे जैसे इधर जाओगे आप नॉन मेटेलिक रिएक्टर बढ़ेगा तो ये बीच में एम्फोटेरिक आ जाएगी, तो मेटल भी है नॉन मेटल भी है, ट्रेंड समझेगा आपको सारा। अब आज की दो प्रॉपर्टीज होगी, इनमें सब कुछ है, आपको अच्छे से पढ़ो, आप ध्यान देखो। मैं ये चाहता हूं कि हम नॉन मेटेलिक रिएक्टर और मेटेलिक रिएक्टर का ये लेक्चर अच्छे से सुन लें, आपको आयनाइजेशन अफिनिटी ये अच्छे से समझ आएगा, फिर यही बातें तभी आएंगी, ठीक है। तो धीरे धीरे हम अपने लेक्चर और चैप्टर के टॉपिक्स में आगे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा स्लो है पर बढ़ रहे हैं अच्छे से कैसे है कि हमको आपको समझे और कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, ठीक है, चलिए, ओके सर।